दोस्तों कुछ तो खाया हुआ है, ये चूहा खाया हुआ है, कोबरा है, कोबरा लड़का होना जाने बोल दिया खाए। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ओ दोस्तों उसके बच्चे को, उसकी माँ को नमस्कार। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रस्कू काल दोस्तों मुझे के पूर्वा ग्राम सभा से मिला हुआ है, जो कि दोस्तों ये हमारे जिला गोंडा में पड़ता है और गांव है पोखरा। यहां पर दोस्तों कोई जहरीला सांप देखा गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। मौके पर हमारी टीम पहुँच चुकी है, तो यही वो जगह है दोस्तों, यही कहीं पर देखा गया है। कहाँ है भैया? चलिए हटाइए। दोस्तों इसी के अंदर बता रहे हैं कि वो सांप बैठा हुआ है, कोई कोबरा सांप है। और ये आप देख सकते हैं ग्राम सभा के लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं सांप को देखने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, आप सभी को दिखाते हैं निकाल कर। तो दोस्तों खाने आप देख सकते हैं सांप जो है दिख चुका है। दोस्तों ये कोबरा सांप है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। हटाओ हटाओ हटाओ। तो दोस्तों है काफी डेंजर, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ तो खाया हुआ है, ये चूहा हुआ खाया हुआ है, कोबरा है, कोबरा लटका होना ज्यादा नहीं बोल दिए भजन खाए भाई। उगली उगली क्यों खाए हुए? रखो 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 इसे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ओ ओ दोस्तों उसके बच्चे को, उसकी माँ को पूरी तरीके से दोस्तों इसने खा लिया, ये आप देख सकते हैं। मटी डाल दो राजू भाई। तो दोस्तों जो कुछ भी इसने खाया था वो शर्म बस दोस्तों पकड़ने के बाद उगल देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो खाए रहते हैं भागने के लिए उगल देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों यहाँ के लोग। और दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है फेटार घुंघुन नाग। आप देख सकते हैं घनश्याम बाबा ने इसको पकड़ लिया है और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों इसको बजा करके। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अभी गर्मी आ गया है, गर्मी के टाइम पे ऐसे बेजुबान आपके हमारे घरों में प्रवेश करेंगे तो सावधानी बरतिए और सावधान रहिए।
दोस्तों थोड़ा इसके ऊपर पानी हम डाल दें, थोड़ा पानी भी पिलाने की कोशिश करेंगे, अगर पिया तो अच्छी बात है। तो आप सब दोस्तों देख सकते हैं, इसको हमने पानी पिलाया और पानी डाल करके दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस गांव देहात में दोस्तों क्या है कि लोगों में अभी भी अंधविश्वास हावी है। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सांप काल है, अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये हमें काट लेगा और हम मर जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक इसको हम छेड़ेंगे नहीं तब तक ये हमें कुछ बोलते नहीं हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप सभी लोगों से, अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूँक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्योंकि आए दिन अपने इंडिया में हर साल सांप के काटने पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार मौत हो रही है सांप काटने पर, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं है। लोग सांप काटने के बाद किसी तांत्रिक या बंगाली या सपेरे को बुलाते हैं और उसको मंत्र से जहर को उतरवाते हैं। संभव है भाई, आज के डेट में जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र से जहर उतर जाएगा अगर ये मान लो किसी को काट लिया, नहीं होगा ना, सीधा जिला अस्पताल। क्योंकि इसके काटने पर आपको सीधा अपने जिला अस्पताल पे पहुंचना है, वहां पर समय पर एंटीवेनम लेना है और पहुंचेंगे डॉक्टर देख करके समय पर इलाज कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप किसी झाड़ फूँक या तंत्र विद्या के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके काटने पर अगर आपके पास 45 से 50 मिनट का समय है बचने का। आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपके घर में कहीं पर कूड़ा कबाड़ अगर रखा हुआ है तो उसको आप बाहर फेंक दीजिए, बिल्कुल मत रखिए। अगर कहीं पर सांप दिखाई पड़ता है तो आप मेरे पास फ़ोन करिए, 24 घंटे एनी टाइम मेरा सेवा चालू है इन बेजुबानों को बचाने का, आप लोगों को जागरूक करने का, आप सभी लोगों को बचाने का। अब इसको हम पैक करना चाहेंगे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं जो कुछ भी ये खाया हुआ था इसने उगल दिया है और इसको ये अभी पता चल गया है कि हमें ये मारेंगे नहीं। दोस्तों एक मारने वाला होता है, एक बचाने वाला होता है, बचाने वाले में और मारने वाले में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि सांपों को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे सांप हमारे पर्यावरण मित्र हैं। अगर इस गांव में सब लोग, अगर आज मैं यहां पर आया हूं तो सब लोग एक सबक सीखेंगे कि अब सांपों को नहीं मारा जाएगा। क्यों भाई, सही है, क्योंकि आने वाले समय में हम सांप को देख भी नहीं पाएंगे, हमारी जो पीढ़ी आएगी वो नहीं जान पाएगी सांप कैसा होता है। जो आज रियल आप लोग देख रहे हैं ऐसा देखने को भी नहीं मिलेगा आने वाले समय में। अभी एक मिनट, तो अभी इसको पैक कर देते हैं और पैक करके कहीं दूर जंगल में छोड़ने का काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं घनश्याम बाबा इसको अब झोरी के अंदर पैक कर रहे हैं। और दोस्तों ये गांव पड़ता है, थोड़ा नाम बता दीजिए गांव का। क्या नाम है? घायलघाट पोखरा। जिला कौन सा है? और कैसे मालूम पड़ा था राजू भाई आपको? दरोगा कहाँ है? जैसे आप देखे तो उसके बाद आप मतलब घर से निकला है, देखो कुएं के घर से निकला। अच्छा, वहाँ से निकला है? वहाँ से निकला, डायरेक्ट भाग के गाय के पास गया। गाय के पास जाने के बाद में फिर वो ईंट में घुस गया। अच्छा, ईंट में घुसने के बाद हम लोग देखे उसको, फिर उसके बाद में राजू आया, राजू बताया तो राजू कॉल किया आपके पास, तो आप आए पकड़ लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आप लोग ऐसे ही बेजुबानों को बचाइए। एक बार बोलो भारत माता की जय, बोलो नाग देवता की जय। ठीक है दोस्तों, इसको अब पैक कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बेजुबानों को बचाते हुए, फिर ऐसे बेजुबानों को छोड़ते हुए। तब तक के लिए आप सभी से चाहते हैं नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।